फ्रेंड्स आज है 5 नवंबर 2024। आज का ट्रेडिंग सेशन है बजाज ऑटो एशिया का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, चलो आज इस वीडियो में बोलने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आज का ट्रेडिंग सेशन में बजाज ऑटोमोबाइल्स 150 और 151 इसी लेवल पे अपार जाके कॉन्सर्ट कर रहे थे। साथ साथ मैं यहाँ पर बजाज ऑटो एशिया का चार्ट पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पर वन वीक टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग टेल लाइन को मैच हो गया, इसी टेल लाइन को बेस करते हुए एशिया का मूवमेंट चल रहा है आज का ट्रेडिंग सेशन में। देखो यहाँ पर ये टेल लाइन को बेस करके बहुत बार एशिया रिजेक्शन पाके एशिया में एक अपर मूवमेंट हुआ था, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। देखो यहाँ पर टेल लाइन पे आज का ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्ट्रॉन्ग इसका टेल लाइन है, इस टेल लाइन को बेस सपोर्ट लेके एशिया में एक अपर मूवमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप इस शेयर को परचेस करना चाहते हो ना, तो इसी टेल लाइन को आपका चार्ट सेशन में ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वन वीक टाइम फ्रेम में चल जाओ, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर मैं कैसे करके इस टेन लाइन को स्ट्रॉन्ग टेन लाइन को ड्रॉ किया, इसी टेन लाइन को बेस करते हुए इस शेयर का मूवमेंट चल रहा है आज का ट्रेडिंग सेशन में। आज है 5 नवंबर, यूएस का इलेक्शन, हो सकता है कि बहुत सारे शेयर पे आप देख सकते हो कि एक डाउन फॉल चल रहा है, फिर भी ये जो बजाज ऑटो शेयर है इस शेयर पे एक अपर मूवमेंट चल रहा है आज का ट्रेडिंग सेशन में भी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टेन लाइन को बेस करते हुए इस शेयर का मूवमेंट चल रहा है और ये जो टेन लाइन है आज का ट्रेडिंग सेशन में इस टेन लाइन को टच किया, उसके बाद ही इसमें एक अपर मूवमेंट आप देख सकते हो। वन डे टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, देखो यहाँ पर कैसा करके शेयर पे मूवमेंट हो रहा है, ये जो शेयर है इस शेयर का रिजल्ट एक बार देख लेता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वार्टरली जो रिजल्ट आया ना वो उतना अच्छा नहीं आया, यहाँ पर सितंबर 2024 में उसका जो रिजल्ट आया उतना खास नहीं आया, मगर फिर भी इसका जो शेयर का EPS अर्निंग पर शेयर था ये भी घट गया, आप 72 और 69 उसके बाद यहाँ पर 49 हो गया। फिर भी ये जो शेयर इस शेयर का होल्डिंग से एक बार देख लेता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ये डिक्रीज हुआ और FII का जो होल्डिंग्स है ये इंक्रीज हुआ, ये एक प्लस पॉइंट है, FII का होल्डिंग्स इसका इंक्रीज हुआ, DII का होल्डिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ, पर पब्लिक का होल्डिंग्स ये भी डिक्रीज हुआ, मगर FII का इसका जो होल्डिंग्स है इंक्रीज हुआ, एक से यहाँ पे प्लस पॉइंट है। देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ किया 9400 से 10,000 इसी लेवल पे ये जो शेयर है इसको फ्रेश परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो शेयर है ना यहाँ से एक अपर मूवमेंट आपको दिखाएगा रिसेंटली, हो सकता है 15,000 इस लेवल को भी टच कर सकता है एक बार, क्योंकि इसका रिजल्ट देख के इसका कैलकुलेशन देख के टेक्निकल एनालिसिस देख के मुझे यही लग रहा है। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में, तो टोटल टाटा, थैंक यू।